हेलो एवरीवन, बेटा हम कर रहे हैं नाइन्थ क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर, और इसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हाउ डू एटम्स कंबाइन। एटम कैसे जुड़ते हैं, उनके बीच जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है। तो इसके दो मेथड किए हमने, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड से बन सकते हैं, यानी कि इसका नाम क्या था, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया था। अब सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो मेथड है, दैट इज बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बना के भी एटम्स जुड़ सकते हैं। कल तो हमने जो किया उसमें क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक एटम जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो दूसरा जो एटम वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। जो लूज करता है वो कैटाइन बनाता है, जो गेन करता है वो एनायन बनाता है। ये आपस में जुड़ जाते हैं और इनमें बॉन्ड जो बनता है उसे हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आज हम सेकंड मेथड करेंगे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जहां बॉन्ड बने, उन एग्जाम्पल को कर रहे हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अब हम ले लेते हैं इसके लिए कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, विल बी 2 and 4। तो इसके वैलेंस में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, दिस इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस का मतलब बताया था आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। सो यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर कार्बन, ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर से बनाओ, कौन से तरीके से बनाना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या बता कहता है कि जो किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम डॉट से या क्रॉस से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन किससे रिप्रेजेंट किया, क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब मान लो इसके साथ में अगर हम बॉन्ड बनने की इलेक्ट्रॉन पहले वाले पॉइंट की बात करें कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, तो ये देखा होगा यहाँ पर। अगर मान लो कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, तो लूज करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज करेगा, 4 करेगा पीछे की तरफ में 2 रह जाएगा, तो ड्यूप्लीट इसका पूरा हो जाएगा। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज नहीं कर सकता, क्योंकि कल हमने किया था कोई एलिमेंट मैक्सिमम 3 लूज कर सकता और 3 कोई गेन कर सकता। तो लूज करने वाली जो टेंडेंसी है या जो कैरेक्टर है वो इसमें रूल आउट हो गया। अब हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की सोचें, ताकि यहाँ पर इसके सेकेंड शेल में 8 पूरे हो जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को कोई एलिमेंट गेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी, इतने कैरेक्टर उसके पास नहीं होते हैं। तो फिर क्या बच गया, करना क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने। तो 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए कार्बन क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को औरों के साथ शेयर कर लेगा, ताकि 4 तो इसके हो जाए, और जिनसे शेयर करेगा उनसे फिर एक एक मिल जाए और फिर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। सो दिस इज शेयरिंग। ये देखो कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा दिया हमने इसके साथ में, ये सेकंड हाइड्रोजन हो गया, ये थर्ड हाइड्रोजन हो गया, ये फोर्थ हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो उसके वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ सपोज हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को मान लो दे देगा, तो उसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का कंडीशन पूरा नहीं हो सकता। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा, अब एक इलेक्ट्रॉन को या तो गेन कर ले या फिर शेयर कर ले। जैसे आप यहाँ देखा, तो हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने दिखाया डॉट से, तो यहाँ आपको दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स को हमने अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ऐसा करने पर अब हाइड्रोजन के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे यहाँ पर ये जो कार्बन है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे हाइड्रोजन के द्वारा शेयर कर लिया जाएगा, इस हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। थर्ड हाइड्रोजन भी ऐसे ही करेगा, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फोर्थ हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट पूरा हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जो कि फर्स्ट शेल में होने चाहिए। अब बची बात कार्बन की, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन से शेयर करवाए हैं, तो बदले में अब ये हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कराया है, एक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट हाइड्रोजन से, एक इलेक्ट्रॉन फिर अगले से, फिर एक हाइड्रोजन।
हर हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको ये चार इलेक्ट्रॉन अब इसको शेयरिंग में कार्बन को मिल जाएंगे। ऐसा करने से कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ जो बॉन्ड बना है वो कैसे बना है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। इसे अब आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना के दिखाना चाहते हैं, क्या बन जाएगा, कार्बन एक बॉन्ड यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये हो गया। तो कैसे बनाए बॉन्ड, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनों से जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ जो शेयरिंग हम दिखा रहे हैं दिस इज आल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर रखा है कि शेयरिंग कैसे हो रही है, यहाँ इनके बीच में जो बॉन्ड बना उनके लिए हमने लाइन लगा दी, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है उसके लिए हमने एक लाइन लगा दी, इनमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो ये एक लाइन, ये जो लाइन है इसी को हम बॉन्ड बोलते हैं, शेयरिंग जो हो रही है। और ये कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड है। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ और एग्जांपल लेते हैं। नाउ सपोज फॉर्मेशन ऑफ एच टू मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, दो हाइड्रोजन के एटम्स का आपस में जुड़ना भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हाइड्रोजन हो गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करी आपने, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितना इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हाइड्रोजन 1। अब सेकेंड हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एच टू का मतलब क्या, दो हाइड्रोजन, ये सेकेंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, जब ये बॉन्ड बनाने के लिए दूसरे के नजदीक आएंगे and they will approach to each other for bond formation, तो क्या होगा, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा, क्या हो गया, क्योंकि they will start sharing, ये शेयर करना शुरू कर देंगे। सो इन दिस वे इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कैसा बॉन्ड बना ये, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, शॉर्ट में लिखा हमने इसको CB, CB स्टैंड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। सो हियर इट इज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन H2 मॉलिक्यूल। अब और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ ये हो गया हमारा H2 के लिए, ऐसे हम बात कर लेते हैं F2 मॉलिक्यूल को लेकर। F2 मॉलिक्यूल का मतलब फ्लोरीन, जब दो एटम्स हो तो क्या होगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या होगा 2 and 7। अब आप देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन का एक एटम हो गया, फ्लोरीन का सेकेंड एटम हो गया, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में, 7 1 2 3 4 5 6 and 7। ऐसे इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 and 7। अगर आप हम सोचें कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में ये एक से ले लेगा, तो ऐसा हो सकता है कि ये इसे एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ऐसा करने पर फर्स्ट फ्लोरीन के तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, लेकिन सेकंड के पास तो 6 ही बचेंगे, होने कितने चाहिए 8। अगर उल्टा भी करके देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको चला गया तो इसके सेकंड के 8 होंगे लेकिन इसके 6 रह गए। बिल्कुल यही बात हम हाइड्रोजन के अंदर भी सोच सकते हैं कि दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे हाइड्रोजन एटम को दे देगा, तो एक के पूरे होंगे लेकिन एक के पास 0 हो जाए, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बनती है, शेयरिंग की पॉसिबिलिटी। तो अब दोनों के 8-8 पूरे हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, बोथ ऑफ विल स्टार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन के बीच में। ऐसे ही अब आप और एग्जाम्पल देख सकते हो, इन केस ऑफ O2 मॉलिक्यूल, जो O2 है उसके अंदर भी आप देखो कैसे होगा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, तो ये ऑक्सीजन नंबर 1, ये ऑक्सीजन नंबर 2, दो ऑक्सीजन एटम, वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के हो गए और ये 6 हो गया इस ऑक्सीजन के, लाइक दिस। अब क्या करेंगे, ये मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन इसको दे दे तो इसके 8 पूरे लेकिन इसके पास 4 ही बचे, या ये इसको डोनेट कर दे तो इसके 8 पूरे लेकिन इसके पास 4 बचे, तो क्या पॉइंट बचे, मतलब ये दोनों ही दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं, दे विल स्टार्ट शेयरिंग 2 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनों की जो शेयरिंग है, 1 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो सकती है दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग हो सकती है और 3 3 इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग हो सकती है, 4 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं हो सकती या इससे ज्यादा नहीं हो सकती शेयरिंग। शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स कैन बी 1 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें, दोनों दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें, या दोनों 3 3 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करें।
तो इसका हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में दो बार बॉन्ड बना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक को शेयर करने से तो बनता है एक बॉन्ड। अब दूसरे से किया तो क्या हो जाएगा, दूसरी बार बॉन्ड बना। जब एक बॉन्ड बनता है इसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कितने बार बने, दो बार। इसे हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम एग्जांपल करते हैं ऐसा जिसमें थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, थ्री कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दैट इज N2 मॉलिक्यूल। ये हो गया N2 मॉलिक्यूल। N2 मॉलिक्यूल के अंदर देख लो, N2 मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7, इसकी कॉन्फिगरेशन कितनी होगी 2N5 हो जाएगी। तो अब नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे नाइट्रोजन का सेकंड एटम हो गया, इसके वैलेंस में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लाइक दिस। ये हो गया। तो अब क्या होगा, 3 इसके पास कम इलेक्ट्रॉन, 3 इसके पास कम, कोई किसी को डोनेट नहीं कर सकता, तो फिर क्या बचा, शेयरिंग का काम। तो ये शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन रहे, 3 बॉन्ड बन रहे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे। तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड व्हिच इज फॉर्मड बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो बॉन्ड जो दो एटम्स में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनता है उसका नाम क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अगर एक एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बन रहा तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम जो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे हैं अपने, तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो मींस कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ थ्री टाइप, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम सोचे आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या, इसके भी टाइप होते हैं, तो आयनिक बॉन्ड के सिंगल आयनिक बॉन्ड, डबल आयनिक बॉन्ड, इस तरह से कोई टाइप नहीं होते, दे आर ओनली सिंपल नोन एज आयनिक बॉन्ड। तो ये बात होगी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ऐसे हम एक और एग्जांपल करते हैं, एंड दैट इज H2O मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, H2O को ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन H2O मॉलिक्यूल। ये H2O मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनाने की बात करते हैं। तो H2O है, इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना है 1, तो कॉन्फिगरेशन करोगे तो इस तरह से कॉन्फिगरेशन होगा। तो देखो ये दिखा दिया आपने ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक हाइड्रोजन को आप इस साइड में लगा दो, एक हाइड्रोजन को आप इस साइड में लगा दो, कोई जरूरी इधर लगा, दोनों को हाइड्रोजन को आप साथ में भी लगा सकते हो और थोड़ा दाएं बाएं करके भी लगा सकते हो। अब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को दिखाओ, ये हो गया इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन इससे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस हाइड्रोजन ले ले तो हाइड्रोजन पास तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हाइड्रोजन के फर्स्ट में, क्योंकि इसका फर्स्ट शेल होता है, और ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए 8। तो फिर क्या करेगा, ऑक्सीजन लूज कर दे, तो ऑक्सीजन अगर लूज करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो 4 ही बचे। तो फिर क्या रास्ता बचा कि एक इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर दें, दे विल स्टार्ट शेयरिंग 1 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करने से देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसने एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन को शेयर करवाया था, एक एक हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन से शेयर भी कर लेगा, ऐसा करने से इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बना करके देख सकते हो।